आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस के अंतर्गत मुदवंत नगर थाना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाई गई है। और आप लोगों को पता होगा कि लगातार जो है NDPS या अन्य जो शराब के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है, इसी कड़ी में जो है कल सुबह उदंत नगर थाना जो है रेड और छापामारी में निकला हुआ था, तभी इनको जो है बिलौर के पास में जो है एक व्यक्ति जो है अपने पीठ पे झोला लादे हुए देखा पुलिस को, जैसे तो भागने लगा तो पुलिस को कुछ संदिग्ध लगा और जैसे आशंका हुई पुलिस ने तुरंत उसकी घेराबंदी करके उसको पकड़ा। तो जो विधिवत उसकी जब तलाशी की गई, तलाशी के क्रम में पता चला इसके पास से 386,536 रुपया बरामद हुआ और इसके साथ हीरोइन की जो हीरोइन जैसा एक पदार्थ है जिसका अभी जांच में पता चल गया है, 11 पुड़िया जो है इसकी बरामद हुई और 230 ग्राम रबड़, 48 ग्राम एल्युमिनियम का कॉयल, 100 पीस पेपर कटिंग जो इस पे जो पुर्जा बनाने के लिए सबके लिए यूज़ करता था, और 3 मोबाइल जो उसका भी मोबाइल था और अन्य जो लोगों से जो बातचीत करता था जो है 3 मोबाइल इसके पास से बरामद हुई है। और इस अभियुक्त का नाम है शिव कुमार उर्फ गोगा और पिता राम अवधेश चौधरी, ये बिलौर का ही रहने वाला उदवंत नगर थाना का, और इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता किए हैं तो पहले भी ये उदवंत नगर में जो है कांड संख्या 25-22 ये धारा 8B 20A NDPS एक्ट में पहले भी हुआ था, यानी ये पहले से भी जो है एक तरीके से जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है NDPS का। तो इसका हम लोग अभी अन्य जो है थाना क्षेत्र का आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं कि क्या क्या इसकी संलिप्तता है और ये जेल से कब छूटा है, उसके बाद क्या क्या इसकी जो है गिरोह के कौन कौन से सदस्य लोग हैं, क्योंकि ये लगातार जिस इतना भारी मात्रा में पैसा लेकर जो है अब पूरा सामान लेकर जो बिक्री कर रहा है, तो ये निश्चित है कि इसके साथ और कोई और भी हो सकता है, तो उसका हम लोग इससे भी पूछताछ कर रहे हैं। अनुसंधान में अन्य जो भी लोग इसमें जुड़े हुए लोग होंगे उनको इस कांड में जो है लाया जाएगा और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर ये पैसा क्या चीज़ का पैसा है, ये बेच के पैसा लिया है या फिर कैसे? देखिए जो उसने बताया है कि ये पैसा जो है उसने जो बेचा था जो है हीरोइन जो है वो जैसा उसने बताया, और उसके पास से जो कुछ गुड़िया बची थी 11 वो हम लोग तो बरामद कर ली, बाकी उसने बेचा हुआ है। अब हम लोग आगे भी सूचना ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ बेचता है, कहाँ से खरीदता है, तो इस जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज इसमें जो भी चीज़ है इसमें जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको जो है इसमें केस में कांड में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ये अकेले तस्करी करता था या गिरोह संचालित करता था? देखिए अभी तक इसने जो बताया है और एक आप लोगों का नाम बताया हुआ है लेकिन अभी पूरा इसने जानकारी नहीं दी है, और हम लोग उसमें अनुसंधान में जो इसका मोबाइल है सारा इसमें सीडीआर है, अन्य जो भी इसमें तकनीकी जो जाँच के बिंदु हैं उसमें जाँच किया जाएगा कि कौन कौन इसमें संलिप्त हैं, जो चैटिंग वगैरह हैं अन्य सारी चीज़ें हैं, तो वो हम लोग इसमें आराम से पता कर लेंगे। हम लोग पास पर्याप्त इसमें साक्ष्य हैं, लीड है, तो अन्य जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।